डाटा पार्टनर द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे सीटीसी क्या रहने वाला है, आपका पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। सबसे बड़ी बात की एलिजिबिलिटी की देखी जाती थी, एलिजिबिलिटी पहले ही बताया मैंने कि 12th पास 10th पास और ITI डिप्लोमा के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा किन किन पार्टों को यहाँ पर असेंबल किया जाता है, ज्वाइनिंग किया जाता है और क्वालिटी मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात मैं यहाँ पर पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर पूरे डिप्लोमा और सेक्टर के पोस्ट के लिए क्वालिटी का पोस्ट है, क्वालिटी के पोस्ट पे आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी के पोस्ट पे आपको ज्वाइनिंग दिलाई जाएगी। ओके, अब बात करते हैं इनके रिक्वायरमेंट की, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे ज्वाइन करेंगे और किन लोकेशन पे हमें ज्वाइन करना होगा। ओके, चलते हैं कि इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि कैसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, चलते हैं। अब आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। डाटा पार्टनर वॉक इन इंटरव्यू 2023 की वैकेंसी में हम देख सकते हैं यहाँ पे, चलते हैं इनके स्क्रॉल करके नीचे और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्वालिफिकेशन डिप्लोमा पास ओनली, जो डिप्लोमा पास है वहाँ के लिए है। यहाँ भी इनके वेबसाइट पर आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं इनके वेबसाइट, उन्होंने अपना वेबसाइट का लिंक दे चुका है, यहाँ पर चेकआउट जाकर कर सकते हैं। बात करते हैं इनकी कंपनी के वेबसाइट, वेबसाइट पे डाटा पार्टनर इंडिया .com इनका खुद का वेबसाइट है। ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन की, तो यहाँ पे दो पोजीशन है, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन खाली है फिलहाल, और जॉब लोकेशन की बात करें तो ये चेन्नई में है जॉब लोकेशन है। ओके, चेन्नई में जॉब लोकेशन है यहाँ पे ये लोग इनके। अब सैलरी की बात करें, सैलरी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, क्यों मेंशन नहीं किया है, क्योंकि एज ए फॉर रिक्वायरमेंट, जैसे कि जो बच्चे की जितना नॉलेज हो उस प्रकार से इनको पेमेंट का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, उनको इंक्लूड किया जाएगा। अब आपके क्वालिफिकेशन पे, क्वालिफिकेशन में किन किन ब्रांचों को यहाँ पे अहमियत दी गई है, तो देख सकते हैं सारे ब्रांचों को थोड़ा बहुत अहमियत दी गई है। यहाँ पे मैकेनिकल के लिए भी जगह है, CSE के लिए जगह है, IT के लिए भी जगह है, EEE के लिए भी जगह है और ECE के लिए भी जगह है। और बात करें कि पास आउट बच्चे किन किन ईयर के पास आउट बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि 21 और 22 के पास आउट बच्चे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में कुछ खास नहीं मांगा गया है, फ्रेशर की यहाँ पे मांग की गई है, फ्रेशर मांगी गई है। और पोजीशन की बात करें एज ऑफ आर डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में आपको देखिए मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे 4-5 डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप यहाँ पे अनरोल होगा। पहली बात टेस्टिंग में, दूसरी क्वालिटी इंश्योरेंस में या कंट्रोल का वो होता है इसमें, दूसरा होता है, तीसरा होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में होता है, और चौथा स्टोर, चार यहाँ पे हैं यहाँ पे जॉब पे ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी। ठीक है, पोजीशन डिपार्टमेंट वाला। अब इंटरव्यू कैसे करेंगे, कैसे सिलेक्शन लेंगे, इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ से 9 फरवरी 2023 तक ज्वाइनिंग का यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। कहाँ चल रहा है तो पहली टाइमिंग देख लेते हैं, 11 बजे से 3 बजे तक शाम तक करेंगे यहाँ पे। डाटा पैटर्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेन रोड डिसेकोट, IT सिरुगी, चेन्नई। चेन्नई में खुद का इंटरव्यू चल रहा है। अब यदि आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड पे इंटरव्यू हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया गया है जहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करके इनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं कि सर क्या इंटरव्यू ले सकते हैं, क्या घर से आप दे सकते हैं इंटरव्यू। और अदर जानकारी के लिए आपको ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा दूँगा जहाँ से आप और अदर डिटेल्स ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।